हेलो माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू द सेशन ऑफ एक्लन फॉर्म्स बच्चे एक्लन फॉर्म का एक क्लास दिया था आप लोगों को और आज हम उससे अगले लेवल पे नेक्स्ट लेवल पे चलेंगे तो आपको पिछले क्लास में जो कुछ कराया था वो क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए थोड़ा सा रिकॉल कर रहा हूँ आइए ऑर्ग्यूमेंटेड मीट्रिक्स क्या होता है माइ डियर अगर सिस्टम है ए एक्स तो ए के साथ बी का एक एक्स्ट्रा कॉलम लेके चलना दिस इज ऑर्ग्यूमेंटेड मीट्रिक्स नेक्स्ट आपका लीडिंग एंट्री क्या होता है लीडिंग एंट्री ऑफर द लेफ्ट मोस्ट नॉन जीरो एंट्री ऑफ दैट रो सब कुछ लास्ट क्लास में किया गया है ई एफ आर ई एफ एंड पेवेट भाई एक्लिन फॉर्म के लिए क्या नेसेसिटीज़ हैं तीन पॉइंट्स आपको बताए गए थे रिड्यूस एक्लिन फॉर्म्स के फॉर्म के लिए दो एक्स्ट्रा पॉइंट्स यानी ऑल एंड ऑल फाइव पॉइंट्स आपके पास हैं नो you know, क्या क्या एग्जामिन है पेवेट क्या है पेविट एंट्री एंड पेवेट कॉलम जिसको आप सर्कल कर रहे थे तो सॉल्व uh, करते वक्त एक्लन फॉर्म से डील करते वक्त सर्कल करना बहुत जरूरी है और वो इग्नोर वाला जो मैंने बताया था ओके नेक्स्ट थिंग स्टेप्स टू कन्वर्ट पहले अपना एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट होता है फिर अपना रेड्यूज एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट होता है जैसे लास्ट क्लास में आपको बताया गया है ऐसा हो सकता है अलग अलग स्टूडेंट्स का एक्लन फॉर्म भी अलग अलग आया लेकिन जब सब रिड्यूस एक्लिन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो वो एक ही आएगा पूरी क्लास का लास्ट क्लास में आपको बताया गया रिड्यूस एक्लिन फॉर्म इज ऑलवेज यूनिक इट्स नॉट द एक्लन फॉर्म विच इज़ यूनिक रिड्यूस एक्लिन फॉर्म इज़ ऑलवेज यूनिक नेक्स्ट जनरल सोल्यूशन में बेसिक वेरिएबल फ्री वेरिएबल यू नो किसको किसमें एक्सप्रेस करते हैं बेटा बेसिक वेरिएबल वो होते हैं जो पिविट से पिविट कॉलम के साथ साथ हो और फ्री वेरिएबल अदरवाइज फ्री होंगे

फर्स्ट रो इज़ ओके सेकेंड रो बिल्कुल तीन का मल्टीपल दिख रहा है ये आपको दो का मल्टीपल दिख रहा है तो पहले रिड्यूस कर लीजिए अल्टीमेटली बाद में तो करना ही है पहले ही कर लेते हैं तो दिस इज थ्री माइनस फोर टू ज़ीरो एंड इसको अगर आप माइनस थ्री से स्केल करेंगे तो बेटा ये थ्री हो गया ये माइनस फोर हो गया ये आपका टू हो गया ये ज़ीरो हो गया अगेन इसको माइनस थ्री से माइनस टू से स्केल करिए माइनस टू माइनस टू से डिवाइड कर दीजिए तो दिस विल बिकम थ्री दिस विल बिकम माइनस फोर एंडम टू एंड जीरो बहुत बढ़िया अब आई थिंक मुझे तो ऑपरेशन लिखने की जरूरत भी नहीं है तो पहले रोके हेल्प से बाकी दोनों रोज जीरो हो जाएगी तो so बेटा जी ये हो गया आपका लेट मी राइट दिस इज सेम एज थ्री माइनस फोर टू जीरो 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 मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा देखो भाई अब बींग uh, स्टूडेंट आप लोग बेटा स्टेप्स जरूर लिखा करो यहाँ अब मेरे को जरूरत नहीं है बट यू नो वेरी वेल यहाँ से यहाँ आने के लिए आपने सेकेंड रो को माइनस थ्री से डिवाइड कर दिया थर्ड रो को माइनस टू से डिवाइड कर दिया एंड अकॉर्डिंगली आपको ये मिला और यहाँ आपने सेकेंड में से फर्स्ट रो और थर्ड में से फर्स्ट रो माइनस कर दिया प्लीज लिख लीजिएगा हम लास्ट क्लास में बहुत कुछ बात कर चुके हैं इस बारे में बेटा दिस कॉरस्पॉन्ड्स टू एक्स वन दिस कॉरस्पॉन्ड्स टू एक्स टू इंड दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू एक्स थ्री वो तो है ही बी और ये पिबिट है आपका तो खाली पहला वेरिएबल एक्स वन बेसिक so और दूसरा एक्स टू एंड एक्स थ्री आर फ्री फ्री वेरिएबल्स किसको किसमें एक्सप्रेस करना है बेसिक को फ्री में एक्सप्रेस करना है अभी कर देते हैं मल्टीप्लाई करो थ्री एक्स वन माइनस फोर एक्स टू प्लस टू एक्स थ्री इक्वल टू जीरो जनरल सॉल्यूशन शुड बीज गि फ्री में बेसिक को फ्री में एक्स वन इक्वल टू उसको उधर ले जाइए फोर बाय थ्री एक्स टू माइनस टू बाई थ्री एक्स थ्री सो आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू ये तो बड़े आराम से हो गया अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको सिर्फ बेसिक को फ्री में एक्सप्रेस करना है और ये बेसिक क्यों है लिख दीजिएगा बिकॉज इट कॉरस्पॉन्ड्स टू द दिविट कॉलम ओके नेक्स्ट थिंग यानी थोड़ा लंबा चौड़ा मेट्रिक है दैट्स द द वे इट इज फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर सिस्टम हुज ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हैज बीन रिड्यूस्ड टू दिस ओके ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है अगेन अब रिड्यूस कर ही दिया उन्होंने तो दिस थिंग दिस थिंग एंड दिस थिंग हाँ जी ये पेवेट 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 सब दिख रहा है थोड़ा सा और काम कर लेते हैं बिकॉज ये काफ़ी लंबा चौड़ा है तो इसमें वेरिएबल देखिए वन टू थ्री फोर पाँच वेरिएबल्स हैं रिड्यूस कर लो मतलब एक्न फॉर्म में तो दे दिया उन्होंने थोड़ा रिड्यूस करके दिख रहा है एक्न में बट रिड्यूज एकलन फॉर्म में नहीं है थोड़ा दो चार स्टेप्स और लिख लेते हैं आराम से आओ बेटा अब ऑपरेशन तो लिखना ही पड़ेगा क्योंकि मेट्रिक्स काफ़ी लंबा चौड़ा है तो पहले यहाँ डाउनवर्ड जीरो होने चाहिए हैं यहाँ डाउनवर्ड जीरो होने चाहिए हैं इसके डाउन तो कुछ नहीं है तो आप अपवर्ड पे काम करेंगे पहले लेफ्ट से राइट उन्होंने करके दे दिया आप राइट से लेफ्ट कीजिए तो फर्स्ट रो में क्या करना पड़ेगा मेरे बेटा ये करना है आपको हाँ ठीक है और सेकेंड में से वो सिंपली आपको ऐड करना है ज़ीरो वन सिक्स सॉरी ज़ीरो सॉरी आई एम सॉरी वन सिक्स टू माइनस फाइव अच्छा अच्छा ये थी ये चेंजेस कहाँ होंगे कहाँ नहीं होंगे वो देखो देखो भाई यहाँ तो सब ज़ीरो है नो चेंज नो चेंज इधर भी चेंज नहीं होगा बिकॉज थर्ड रो की हेल्प से तो पहले चार एज इट इज रहेंगे वन सिक्स टू माइनस फाइव बाद में चेंजेस आएंगे अभी करते हैं जहाँ नहीं है उसको तो संभालें ठीक है अब भाई इसके हेल्प से इनको जीरो बना रहे थे तो आपको टू टाइम्स ऐड करना है यहाँ 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 सब जगह चेंजेस नहीं है यहाँ टू टाइम्स ऐड करना है मेरे बेटा ये ज़ीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा और ये आपका वन है ही हाँ जी आर वन प्लस टू आर थ्री दिस इज माइनस फोर प्लस फोटीन है फोर्टीन तो ये टेन हो गया बढ़िया आर टू प्लस आर थ्री थ्री प्लस सेवन ये भी टेन हो गया यहाँ तो है ही सेवन बढ़िया सर्कल 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 इसका काम खत्म अब इसके हेल्प से इसको जीरो बनाना है ऑपरेशन आपको दिखे रहा है आर टू माइनस आर वन सिंपल वन सिक्स हाँ जी यहाँ चेंज नहीं आएगा नो चेंज इधर जीरो हो जाएगा और बाकी जगह भी चेंजेस आ सकते हैं सिंपली फर्स्ट फर्स्ट रो माइनस सेकेंड रो करना है आपको वन सिक्स जीरो माइनस पांच प्लस आठ थ्री जीरो माइनस जीरो जीरो टेन माइनस टेन एज जीरो अगेन एट जीरो वन सेवन ठीक है बच्चे दिस थिंग दिस थिंग एंड दिस थिंग हाँ जी ऑल द मोर अब और तो कुछ बचा नहीं है उन्होंने लेफ्ट से राइट पहले दिया था हम राइट से लेफ्ट चले कुछ नहीं बचा अपनी तरफ से ये वन है ये वन है, इसको वन बना दीजिए यू नो किसको किससे स्केल करना पड़ेगा अच्छे से पता है आपको यस जीरो जीरो वन माइनस फोर जीरो फाइव आपने अच्छा टू से किया ना माइनस ये फाइव है प्लस में फाइव आएगा लास्ट वाला बिल्कुल ठीक है ऑपरेशन भाई अपना ऑपरेशन लिखिए कोई ऐसा इशू नहीं है ओके okay. कोई ऐसा इशू नहीं है कि बच्चों को समझ में नहीं आएगा सब आराम से हो जाएगा आओ बेटा हाँ जी दिस इज योर एक्स वन दिस इज योर एक्स टू दिस इज योर एक्स थ्री दिस इज योर एक्स फोर एंड दिस इज योर एक्स फाइव वो तो बी वाला कॉलम है ही हाँ जी इसमें से बेसिक क्या क्या है और फ्री क्या क्या है वो देख सकते हैं एक्स वन यस एक्स वन बेसिक है एक्स थ्री yes. बेसिक है एक्स फाइव ये तीन वेरिएबल्स बेसिक वेरिएबल्स बिकॉज़ दे कॉलम्स और जो बाकी बचे हुए हैं जैसे कि x2 और x4 ये आपके फ्री वेरिएबल्स हैं बिकॉज दे डज नॉट कॉरस्पॉन्ड टू पेवेट कॉलम्स ठीक है और किसको किस में एक्सप्रेस करते हैं बेसिक को फ्री में एक्सप्रेस करते हैं आइए करते हैं मल्टीप्लाई करके लिखना x1 एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस थ्री एक्स इक्वल टू जीरो एक्स थ्री माइनस फोर एक्स इक्वल टू फाइव और लास्टली एक्स फाइव इक्वल टू सेवन हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे राज बेटा लास्ट वाला तो ठीक है इसमें एक्स थ्री और एक्स फोर में से एक्स थ्री बेसिक है एक्स फोर फ्री है तो यहाँ से आप लिख सकते हैं एक्स थ्री इक्वल टू फाइव प्लस फोर एक्स फोर यहाँ स्पेस नहीं है बट प्लीज़ प्लीज़ अपने आप लिख लीजिएगा और यहाँ एक्स वन एक्स टू एक्स फोर में से एक्स वन बेसिक है और ये दोनों फ्री है यानी एक्स वन को इन दोनों में एक्सप्रेस करना है तो एक्स वन इज इक्वल टू माइनस एक्स एक्स टू माइनस थ्री एक्स फोर आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू ठीक है हमेशा तो बेसिक और फ्री uh, uh, की पहचान करिए और बेसिक को फ्री में एक्सप्रेस कर दीजिए वो आपका जनरल सॉल्यूशन होता है तो आई होप दिस इज क्लियर नेक्स्ट आगे जाने पे एक बहुत बढ़िया चीज़ मिलती है एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम बच्चों को आदत है डिफरेंशियल इक्वेशन पूरा मन से पढ़ते हैं बाकी कुछ मन से नहीं पढ़ते बेटा एक एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम वहां भी है बहुत फेमस है बहुत फेमस है और एक एग्जिस्टेंस और यूनिकनेस थ्योरम आपके सामने है ये लीनियर अलजेब्रा में ये भी मास्टर पीस है और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट एकदम क्लियर करके रख देगा ये आइए जरा अ लीनियर सिस्टम इज़ कंसिस्टेंट इफ एंड ओनली consistent का क्या मीनिंग होता है पहले consistent का मतलब हैज़ अ सॉल्यूशन और inconsistent का मतलब हैज़ नो सॉल्यूशन तो यहाँ सिर्फ एक से मतलब सॉल्यूशन मिलेगा या नहीं मिलेगा ये बताया जा रहा है सॉल्यूशन यूनिक होगा या नहीं होगा वो नहीं पता लगेगा इससे सिर्फ ये पता लगेगा कि सॉल्यूशन है या नहीं आइए ज नहीं आ रही है भाषा नहीं समझ में आ रही है क्या लिखा ये नहीं में है छोड़ो उसको लास्ट वाला लाइन जरूर पकड़ के रखना बरसों 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 बरस काम आएगा मैं मैंने खुद अप्लाई किया बच्चों के साथ तभी बता रहा हूँ लास्ट वाला पकड़िए तो फर्स्ट लाइन अलियर सिस्टम इज कंसिस्टेंट इफ एन ओन लिये बीच का सा हटाइए और लास्ट वाला पकड़िए एन फॉर्म ऑफ द हैज एन ऑर्ग्यूमेंटेड मीट्रिक्स है ये नहीं होना चाहिए क्या मतलब है सर जीरो 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 ए टाइप का वे रेज नॉन जीरो नहीं होना चाहिए क्या होगा अगर ऐसा हो गया तो देखिए ये बी है ना ये बी का कॉलम है मान लो आपके पास डॉट 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 और यहाँ वन लिखे यहाँ जीरो लिख है यहाँ जीरो लिखा है जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ भी जीरो यहाँ भी जीरो यहाँ भी जीरो बेटा आपको बताया गया है कि ये एक्स वन है ये एक्स टू है ये एक्स थ्री है जब आप मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो आपको मिलेगा जीरो इक्वल टू वन सो दैट मीन अ कॉन्ट्रोडिक्शन इट कैन नॉट हैव अ सॉल्यूशन यही चीज़ तो लिखी है यहाँ पे कि इधर तो सब कुछ जीरो हो लेकिन वन नॉन ज़ीरो दर्शाता है सिस्टम कंसिस्टेंट नहीं हो सकता तो प्लीज इसको याद कर लो ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है भाई हम भी बरसों से अप्लाई कर रहे हैं अली निरल जबरा में यस yes. आइए जरा दो तीन क्वेश्चंस कराते हैं आपको मैं चार क्वेश्चंस कराऊंगा चारों में क्लियर हो जाएगा कंसिस्टेंट है या नहीं पहले पे आओ एग्जामिन द कंसिस्टेंसी इफ द ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स इज गिवन बाय दिस ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स का मतलब ये ए बाई बी दिया हुआ है आज का दिन आइए जरा काम करें इसके ऊपर ए बी है यानी मैं ऑपरेशन लिख रहा हूँ और हाँ जी सेकेंड में से पहला माइनस कर लें तो ये तो सिंपली वन 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 है ये ज़ीरो हो गया माइनस वन माइनस वन इज माइनस टू फोर माइनस वन इज थ्री सेवन माइनस वन इज सिक्स बहुत बढ़िया अब भाई ये टू टाइम्स माइनस करना पड़ेगा टू माइनस टू इज ज़ीरो सेवन माइनस टू इज फाइव वन माइनस टू इज माइनस वन टू माइनस टू इज ज़ीरो बढ़िया इसका काम खत्म अब माइनस टू के हेल्प से इसको जीरो बनाना है हाँ जी ऑपरेशन है या जो कुछ है आपको लिखना पड़ेगा बेटा आर थ्री में ऑपरेशन लगेगा हाँ जी परफेक्ट है ठीक है ना फाइव बाई टू हाँ ठीक है ठीक है बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया जीरो माइनस टू थ्री सिक्स आर थ्री प्लस फाइव बाई टू आर टू देख आर थ्री प्लस फाइव बाई टू आर टू दिस इज फाइव बाई टू इंटू माइनस टू ये तो जीरो हो गया उसी के लिए तो काम किया था आपने अच्छा जी अब इधर कितना आएगा इट इज माइनस वन प्लस फिफ्टीन बाई टू थर्टीन बाई टू अच्छा जी बढ़िया लास्ट में कितना आएगा जीरो प्लस फाइव बाय टू टाइम सिक्स फिफ्टीन दैट इज फिफ्टीन हाँ इसके आगे तो कुछ हो नहीं सकता अब जरा साथ आओ देखो जरा ध्यान से देखिए क्या लिख रहे हैं बहुत ध्यान से नोटिस करिएगा सिंस अबव अबव का मतलब जो फाइनली आपके पास आए अबव इज इन एक्लिन फॉर्म एंड हैज No row of the type. Zero, zero, zero 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 alpha where alpha is non zero therefore above system is consistent देखिए ये तो लिख दिया आपने कहानी अच्छी सी और सच्ची कहानी है अगर उनको solution ही चाहिए तो वो भी निकल जाएगा जैसे एक्स वन के लिए एक्स टू के लिए एक्स थ्री के लिए एक्स थ्री थर्टीन बाई टू हाँ जी थर्टीन बाई टू एक्स थ्री एक्स थ्री इक्वल टू फिफ्टीन यानी यहाँ से एक्स थ्री का एग्जैक्ट वैल्यू आ गया आपका थर्टी बाय थर्टीन उधर से एक्स टू का आ जाएगा फिर एक्स वन का यू नो वेरी वेल क्या कह रहा हूँ मैं तो यहाँ बोल दिया कि सोल्यूशन है तो सोल्यूशन तो मिल ही जाएगा आप आई होप दिस मैथड इज क्लियर नेक्स्ट क्लासिक क्वेश्चन आ रहे हैं आगे वाले क्वेश्चन बहुत क्लासिक हैं ध्यान से देखिए डिटरमाइन द वैल्यू या वैल्यूज ऑफ एच सिस्टम दीट्रिक्स ये आप लोग पॉज करके खुद से ट्राई कर सकते हैं उसके बाद सॉल्यूशन देख लीजिए बना ही रहे हैं कुछ और तो कर नहीं रहे फोर माइनस टू टाइम सेवन माइनस टू एच मेरे प्यारे प्यारे बेटा। ये जरा जी ये आपके सामने है आ, ये एक्लन फॉर्म में तो आ गया आ गया अब ये भी जीरो है ये भी जीरो है अगर ये सेवन माइनस टू एच नॉन जीरो हो गया तो ये तो वही कंडीशन देगा जीरो 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 अल्फा वेर अल्फा नॉन जीरो वो तो यहाँ आ जाएगा और ये आने की वजह से तो इनकंसिस्टेंट होता है लेकिन वो तो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि भाई सिस्टम तो कंसिस्टेंट है अगर सिस्टम कंसिस्टेंट है तो इट शुड नॉट है रो ऑफ द टाइप जीरो 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 अल्फा वेर अल्फा इज नॉन जीरो है ना तो यहाँ देखिए above system is given to be consistent so it cannot contain you should not have should not have a row

एच क्या हो गया डियर सेवन बाई टू बहुत क्लासिक क्वेश्चन था आराम से समझ में आ गया होगा आप तो. लोग बहुत अच्छा क्वेश्चन तो यही यहां अप्लाई करने की कोशिश करते हैं देखो इसके हेल्प से इसको जीरो बनाने बनाओ जी ऑपरेशन लिख देते आर टू में आर टू माइनस फाइव फाइव माइनस फाइव जीरो एच प्लस फिफ्टीन ठीक है ना एंड इट इज माइनस सेवन प्लस टेन दैट इज थ्री देखो बेटा ये तो ये तो ज़ीरो है नहीं अब आपको पता है ये नॉन जीरो उसको नहीं चेंज कर सकते इसको तो चेंज कर सकते हैं अगर ये जीरो देखिए दे -दे, ध्यान से देखिए ध्यान से देखिए ये ज़ीरो है अगर ये भी जीरो हो गया फिर इनकसिस्टेंसी आ जाएगी तो फॉर कंसिस्टेंसी ये जीरो नहीं होना चाहिए हाँ जी इसलिए उसने बोला है वैल्यू या वैल्यूज तो इस बार आपके पास वैल्यूज आ रही हैं वैल्यूज आ रही हैं

सो आई होप दिस इज़ वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे कंसिस्टेंसी इनकन्सिस्टेंसी अब तक हमने दो तीन क्वेश्चन किए हैं और सब में पता लग ही रहा है आपको क्या होगा क्या नहीं होगा अब इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ तो बेटा मैं उसका लास्ट स्टेप लिख दूंगा रिड्यूज एक्लेन फॉर्म में कन्वर्ट करके क्या आएगा आप घर बैठ के अपने आप वेरीफाई कर सकते हैं कि कैसे आएगा बाकी देखिए जरा क्वेश्चन हाँ जी ये सिस्टम है एक्स टू माइनस फोर एक्स थ्रीज एट टू एक्स वन माइनस थ्री एक्स टू प्लस टू एक्स थ्रीज़ वन एंड फाइव एक्स वन माइनस एट एक्स टू प्लस सेवन एक्स थ्रीज़ वन अब इसका आपको कंसिस्टेंसी चेक करना है तो बट इसमें कुछ नहीं करना ऑर्गूमेंटेड uh, मेट्रिक्स लिखेंगे उसको रिड्यूस एक्लिन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे टाइम विल टाइम विल टेल यू क्या आपका करेक्ट है नहीं मैं फाइनल आंसर लेकर हूँ हाँ जी ए बाई बी इसमें एक्स वन नहीं है तो इज जीरो वन माइनस फोर एट टू माइनस थ्री टू वन फाइव माइनस एट सेवन वन ये डॉट 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 जब आपने रिड्यूस एक्न फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसको रिड्यूस एक्न फॉर्म में तो बेटा ये बन जाएगा लेट मी राइट बेटा प्लीज इतने दो क्लासेस में जो मेहनत कराई गई है इसको बर्बाद नहीं करना है खराब नहीं करना है हाँ जी दिस एक्स वन दिस एक्स टू एंड दिस एक्स थ्री वो सब सॉल्व तो बाद में होगा ज़रा लास्ट वाला रो तो देखो हाँ जी समझ गए आप लोग देखिए क्या लिखेंगे अब हम हाँ? आप और हम क्या लिखेंगे ठीक इज इन एक्लन फॉर्म एंड कंटेन्स रो टाइप जीरो 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 अल्फा वेर अल्फा इज नॉन जीरो दिस सिस्टम हाँ समझ गए आप ये देखो ना लास्ट वाला अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा जीरो इक्वल टू फाइव बाई टू इनकिस हाँ जी स्टूडेंट्स सो आई होप आज की क्लास आपको बहुत बढ़िया लगी होगी और क्लास वन क्लास टू हम स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं एक्ल फॉर्म बहुत ही ज्यादा पावरफुल टूल है हम भी बरसों से पढ़ा रहे हैं बरसों से देख रहे हैं ये फुल प्रूफ है इसमें गलती नहीं होती सिस्टम सॉल्व करके देगा ही देगा तो ये मैं सामने से हट जाता हूँ एंड वेल Thank you for the class.